हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई डिज़ाइन अपलोड करूं तो आप उसे मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये गेट पर्दा डिज़ाइन बना के बताऊँगी छोटे से नमूने के साथ। तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं ये गेट पर्दा डिज़ाइन कैसे बना है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने पट्टी ले ली है। आप अपने हिसाब से गेट की पट्टी जितनी बड़ी रखनी चाहे आप रख सकते हैं। तो हमें पट्टी इस तरह से ले लेनी है और गांठ बना लेना है। तो मैं इसमें दो खंड बना के बताऊंगी, जैसे आप इसी में का सेम बड़ा साइज अगर बनाते हैं तो जैसा मैंने इसमें गेट पर्दा डिज़ाइन आपको दिखाया, आप सेम उस तरह का बना लेंगे। तो हमें इस तरह से गांठ बना लेना है और यहाँ बांध लेना है, और एक ही जगह से हमें तीन टोप लेना है। और फिर हमें दो चैन लेना है। और हम फिर यहाँ से तीन टोप निकालेंगे और फिर हम दो चैन लेंगे। तो इस तरह से हमने तीन टोप लेकर तीन खंड तैयार किया है। आप इस तरह से पाँच, छः या सात खंड तैयार करेंगे तो आसानी से ऐसा बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ जितना खंड बनाएंगे हमारी गोलाई में उतनी ही लड़ी आएगी। तो अगर हम तीन बनाएंगे तो यहाँ तीन बार गोला होगा। तो इस तरह से अगर हमें ज़्यादा घना बनाना है तो हम सात या आठ या नौ या दस पे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हमें आठ या सात चैन ले लिया है और हम बड़ा सा फंदा करेंगे और फिर इसमें हम इसमें जितनी मोटाई रखनी है उतनी मोटाई इसमें रखेंगे। उसके बाद हमें सेम इतना ही लंबा फंदा निकाल लेना है और हमें यहाँ बांध लेना है। उसके बाद फिर हमने जहाँ से इसे स्टार्ट किया था वहीं पे से ज्वाइन कर लेंगे और सेम इसी तरह से हम ज्वाइन करने के बाद सात या आठ चैन लेंगे। आप अपने हिसाब से ज़्यादा गैपिंग रखना चाहते हो तो दस चैन ले सकते हैं, कम गैपिंग रखना चाहते हो तो पाँच या छः चैन रख सकते हैं आप। तो इस तरह से हमें लड़ी तैयार करनी है। तो हमें दूरी के हिसाब से, मैं कम गैपिंग, छोटी पट्टी है तो हमारी कम गैपिंग बनेगी, तो मैं इसमें पाँच ही बनाऊँगी गुच्छा। आप उससे ज़्यादा बना सकते हैं। तो आप देखिए किस तरह से ये बन रहा है।
तैयार कर लिया। बीच में भी हमने तीन टोप ले के तीन खंड बनाया था और इस साइड भी, तो हमने दोनों तरफ इस तरह से तैयार कर लिया। आप बनाएंगे गेट तो सेम इसी तरह से, आप जितना खंड, जैसे हमने यहाँ तीन लिया था तो आप यहाँ पाँच या छः लेंगे, और फिर गोलाई में आपको जितना लड़ी गिराना हो इसमें गुच्छा, आप उतना गिरा सकते हैं। अब हम फिर इसमें दो घर बनाएंगे और हम फिर इसमें अब गुच्छा तैयार करेंगे। तो जैसे हमने पहले में पाँच लिया था, तो अब हम दूरी के हिसाब से इसमें जो गुच्छा बनेगा इसमें ज़्यादा बनेगा। तो देखिए, देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हम सेम इस तरह का हम इस साइड बनाएंगे और इसे भी हम
साइड में ज्वाइन कर लेंगे सेम इसी तरह का बनाकर इस साइड, और फिर यहाँ से हमारा जब दो घर हो जाएगा तो फिर हमारा एक घर होगा, तो हम फिर सेम इससे ज़्यादा घना और बड़ा बनाएंगे गोलाई में और फिर इसे ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह हमें जितना भी खंड रखना होगा हम उतना खंड रखेंगे, और उससे जैसे पहले में अगर हमने 5 लिया है तो दूसरे में इससे ज़्यादा लेंगे, तीसरे में इससे ज़्यादा, इस तरह आप जितनी गोलाई रखना चाहे इसकी। मैंने गेट आपको नमूना में बता दिया है उस टाइप का गेट, तो आप आसानी से इस टाइप का गोलाई रख के आप इस टाइप का गेट बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सेम इसी तरह हम लड़ी इस साइड का भी तैयार कर लेंगे, देखिए क्योंकि इस साइड सेम हम इस साइड भी उसी तरह रखेंगे और इसी तरह ये गोलाई बनता जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप का गेट बनाने में आपको। सेम इसी तरह हमें जितनी गोलाई रखनी होगी हम उतना खंड यहाँ तैयार करेंगे। मैंने 3 टोपे आपको बताया है, आप 5 या 6 या 10 टोपे भी बना सकते हैं, 10 बार गोलाई होगा, इस तरह से बनता जाएगा। तो आप टाइट रखेंगे तो इस टाइप का बनेगा, जैसे मैं गेट में आपको दिखा दे रही हूँ इस टाइप का नमूना। जैसे देखिए इस गेट में बीच में आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा भी शेप में जो आया हुआ है, तो आप 10 पे भी बना सकते हैं, 8 पे भी बना सकते हैं, और दूरी के हिसाब से जितनी दूरी होगी आप उस हिसाब से इसकी गोलाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक छोटा सा ट्रिक आपको बता दिया है कि ये गेट पर्दा डिज़ाइन कैसे बना है, तो इसकी मदद से आप आसानी से इस टाइप का गेट पर्दा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।